नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ ही साथ वो अपनी आखिरी ख्वाहिश को भी साथ लेकर चले गए। ऋषि कपूर की आखिरी ख्वाहिश थी कि रणबीर कपूर उनके जाने से पहले शादी के बंधन में बंध जाएं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इसी साल शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ऋषि कपूर सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। बीते कुछ समय में आलिया भट्ट कपूर खानदान की लाडली बन चुकी थी और ऋषि कपूर भी उन्हें अपनी बहू बनाने के लिए काफी बेताब थे। आलिया भट्ट देखते ही देखते ऋषि कपूर की चहेती बन गई थी और उनका दिल जीतने में उन्हें जरा भी देरी नहीं लगी। ऋषि आलिया को अपने घर की बहू बनाने के लिए बहुत बेताब थे और खबरों की माने तो दिल से ऋषि कपूर आलिया को अपनी बहू भी मान चुके थे। ऋषि कपूर हमेशा से ही आलिया भट्ट के काम की तारीफ किया करते थे। फिल्म राजी की रिलीज के समय भी ऋषि कपूर ने सोशल मीडिया पर आलिया की जमकर तारीफ की थी। आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने साल 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में ऋषि कपूर के साथ काम किया था। आलिया भट्ट के साथ ऋषि कपूर ने अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था और इसके अलावा वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी नजर आए थे। आलिया भट्ट सिर्फ ऋषि कपूर की ही नहीं बल्कि पूरे कपूर खानदान की लाडली बन गई थी। आलिया भट्ट कपूर परिवार में होने वाले हर एक जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और तो और, जब ऋषि कपूर अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने पहुंचे थे तब भी आलिया भट्ट नीतू सिंह की हिम्मत बनी हुई थी। दो साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर ने बताया था कि रणबीर को जिस भी लड़की से शादी करनी है वो करे, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इसी साल दिसंबर के महीने में शादी करने वाले थे, लेकिन अफसोस कि अब ऋषि कपूर अपने बेटे की शादी नहीं देख सकेंगे।